ये जो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है 1955 में पहली बार चालू हुआ था और हमीदिया अस्पताल आज की डेट में 925 बिस्तरों वाला भोपाल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। पिछले कोविड की दो लहर में हम लोगों ने तकरीबन 7,000 मरीजों को बहुत बेहतर और उम्दा स्तर की चिकित्सा सुविधा दी है। यह जो विभाग है ये तकरीबन 24 डिपार्टमेंट से मिलकर बनता है। यहाँ पे कई तरह की सुपर स्पेशलिटी कोर्स चलते हैं जिनमें कि बर्न प्लास्टिक कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी सम्मिलित है, जिसमें कि विशेष तरह के जो डॉक्टर हैं जो कि प्रदेश के दूसरे हिस्से में इस प्रकार की विशेष कोर्स नहीं चलाए जाते हैं। हमीदिया चिकित्सालय में तकरीबन 2000 के लगभग मरीज प्रतिदिन आते हैं। इनमें तमाम तरह के एक्सीडेंट वाले केस, ट्रॉमा वाले केस, कैंसर और जो दूसरे तरह की बीमारियां हैं उन सभी का समुचित रूप से उपचार होता है। हमीदिया अस्पताल में तकरीबन 300 के अराउंड वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इसके अतिरिक्त तकरीबन 250 प्रति वर्ष हमारे यहाँ MBBS के स्टूडेंट आते हैं। 164 के तकरीबन MD MS के हमारे पास स्टूडेंट हैं। एक बहुत अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम जो है यहाँ पे 24 घंटे मरीजों को सेवा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की बात है, हमारे पास तकरीबन 800 के ऊपर नर्सिंग स्टाफ है। इसके अतिरिक्त जो हमारे लैब टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ बड़ी संख्या में उपलब्ध है जो कि दिन रात मरीजों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करता है। यह चिकित्सा महाविद्यालय लगभग 150 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का संचालन करता है, जिसकी की संख्या बढ़ करके शीघ्र अगले स्टेज में 290 के करीब हो जाएगी। जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात है तो यहाँ पर 250 सीट्स का एडमिशन होता है हर साल MBBS सीट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी है जिसमें कि छात्राएँ अपने नर्सिंग का कोर्स करते हैं। कई पैरामेडिकल कोर्स जैसे लैब टेक्नीशियंस का कोर्स, OT टेक्नीशियंस का कोर्स इत्यादि यहाँ पर संचालित होते हैं। हॉस्टल्स की सुविधा है जिसमें कि नवनिर्मित अभी ब्लॉक 7, जिसको कि D ब्लॉक नाम दिया गया है, सब सुविधा युक्त हॉस्टल नया बना है। इसके अलावा और हॉस्टल्स की जो संख्या बढ़ानी है वो हमारे ईदगाह हिल्स कैंपस में आएंगे। ईदगाह हिल्स कैंपस जो गांधी मेडिकल कॉलेज का होगा उसमें